हेलो बूंदे सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को, आपके दोस्त अनुज का नमस्कार। हमने भी वही देखा जो आपने देखा। सपना अभी भी है अधूरा, इंतज़ार अभी भी है कायम। टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हो गई है। इंग्लैंड ने वन साइडेड मैच में इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया। 170 कभी भी मुझे लगा नहीं इतना थ्रेटनिंग स्कोर होगा, क्योंकि जिस तरह के विकेट है, जिस तरह से वो लोग बैटिंग करके दिखाई है इंग्लैंड ने, उस हिसाब से इंडिया की बैटिंग शुरुआत से ही बहुत डाउन थी। वो तो बाद में कुंगफू पांड्या हमारा थोड़ी फॉर्म में आया और उसने दिखाया कि भाई इतनी भी कोई खतरनाक बॉलिंग अटैक है नहीं जिसके सामने आप ऐसे खेल रहे थे। जैसे तैसे करते कराते 170 का टारगेट, ऑलमोस्ट राउंड फिगर चलो मान के चलते हैं, 170 का टारगेट पहुँचाया। कुछ इज्जत की बात करी और सोचा कि शुरुआत में अगर कुछ अच्छी विकेट मिल जाए तो मैच बन सकता है। लेकिन एडिलेड की विकेट इतनी फ्लैट थी, जहाँ का पार स्कोर ही 180 है, अगर आप वहाँ पे 170 बना के सोच रहे हैं कि आप मैच बना लेंगे तो उसके लिए आपकी बॉलिंग बहुत कमाल की होना ज़रूरी है। शुरुआत से ही एलेक्स हेल्स और जॉश बटलर ने जिस तरह की बैटिंग करी, उन्होंने किसी भी इंडियन बॉलर को लगा ही नहीं कि कोई विकेट मिल पाएगी या वो देने के मूड में थे। शुरुआत से ही चौके छक्कों की बरसात और वही पुराना हाल, एक और वर्ल्ड कप, एक और सेमीफाइनल, एक और हार। ड्रीम मैच होते होते रह गया, पाकिस्तान और इंग्लैंड खेलेगी अब वर्ल्ड कप फाइनल और हम बैठ के घर पे देखेंगे, आज नहीं तो कल। मर्जी है आपकी। वैसे क्रिकेट देखना चाहिए, अच्छा है, चाहे कोई भी जीते, मैच मुझे लगता है कातिल होगा और हम तो जानते हैं कि अब हम किसको सपोर्ट कर रहे होंगे। हाँ कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। लेकिन बहुत अच्छा खेली इंग्लैंड ने, क्रेडिट जाता है उनको। जिस तरह से अग्रेसिव क्रिकेट चाही जाती है T20 में, फुल आउट मैच हुआ है और इंग्लैंड ने इंडिया को वन साइडेड मैच में हरा दिया है। लेकिन इंडियन फैंस को भी इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एक और टूर्नामेंट है अभी, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप आना है और ये बहुत बड़ी सीख हो सकती है कि किस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट अब चेंज हो रहा है। और जैसा कि कई हमारे लेजेंड्स, हमारे ग्रेट्स ने कहा है कि हो सकता है कि अब आपको अगले वर्ल्ड कप में एक टोटली नई टीम देखने को मिले। इस टीम में एक्सपीरियंस है लेकिन यूथ और जो होश के साथ जोश की ज़रूरत होती है उसकी कमी दिखाई दी। जहां सूर्या इकलौता ऐसा बैट्समैन है जो पूरे जोश से खेला और उसने दिखाया कि T20 क्रिकेट कितनी इवॉल्व हो चुकी है, वहीं हमारे बाकी प्लेयर्स को इस सब की बहुत ज़रूरत है। हाँ ओपनिंग पार्टनरशिप में मुझे लगता है राहुल का पत्ता अब ऑलमोस्ट साफ है, रोहित भी ऑलमोस्ट आउट ही है, 35-36 ईयर्स के हो गए यार, अब बाकियों को मौका दो, इट्स ओके। देखो इंग्लैंड ने देखो ना कितने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर बिठा रखा है, बेयरस्टो नहीं खेला, ये हो गया, मार्क वुड इंजर्ड हो गया। लेकिन T20 क्रिकेट ही ऐसी है, यहाँ पे नाम नहीं है, काम चलता है, तो कोई भी कभी भी आके देख सकता है। हमारे पास ओपनर्स की भरमार है, मुझे समझ में नहीं आता कि पूरे साल ये दसियों ओपनर खिलाते हैं लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट आता है या कुछ है तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने से क्यों घबराते हैं। ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आपके पास इवन दीपक हुडा, इन सबको आपने बिठा के पूरा टूर्नामेंट ले जाके और किसी को मौका ही नहीं देना, तो ये कहीं नहीं कहीं बात हजम नहीं हुई। आज मेरा मूड थोड़ा ऐसा ही है तो माफी चाहूँगा, इतना कोई जोक्स वगैरह मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। आपकी तरह मैं भी इंडियन फैन था और छन से जो टूटा है सपना, तो अब जग सूना सूना तो लग ही रहा है अभी भी अपनी आंखों के सामने देख के कि ये वर्ल्ड कप एक और उम्मीद बनी थी, लेकिन इंतज़ार अभी जारी है। लेकिन होपफुली हमें ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में है, जो होपफुली पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे वर्ल्ड कप के सपने को पूरा करेगा और हम कुछ चमत्कार कर पाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में अभी तक 2007 से अभी तक इंतज़ार जारी है, ये इंतज़ार भी कभी ना कभी पूरा होगा। पर आपको अगले एपिसोड के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सुनते रहिए बूंदे पॉडकास्ट अपने दोस्त अनुज के साथ।